जोशीमठ में 50 और घरों में दरारें, जिन होटलों में ठहराया वहां भी दरारें। लोग बोले मरना है तो क्यों ना अपने घर में रहे। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात और बिगड़ गए हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अन्य मकानों में दरारें देख गई हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 723 था। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रात जोशीमठ में गुजारी। इससे पहले वे पीड़ित परिवारों से मिले। गुरुवार को भूस्खलन को लेकर अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ कई बैठक करेंगे। इस बीच जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की आशंका ने मुश्किल बढ़ा दी है। प्रशासन की मुनादी के बावजूद भी लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। लोगों में गुस्सा है। इनका कहना है कि मुआवजा तय हुए बिना वे अपनी संपत्ति कैसे छोड़ दें। कुछ लोगों को होटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहां भी दरारें थी। इससे लोग नाराज हो गए। इनका कहना था कि जब मरना ही है तो हम अपने घरों में ही मरना पसंद करेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री और हिमाचल के नरकंडा में गुरुवार तड़के बर्फबारी हुई। उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों को देने के लिए 45 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक जोशीमठ भेजे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा में भी मकानों में दरारें आ गई हैं। राहत राशि प्रभावितों को देने के लिए सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।